झिरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत. दारुल उलूम रजाए महबूबमध्ये सालाबादप्रमाणे स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 15 ऑगस्ट आपल्या भारत देशाचा स्वातंत्र्य दिन हा दारुल उलूम रजाए महबूब येथे ध्वजारोहण करून साजरा करण्यात आला. यावेळी मदरशातील विद्यार्थ्यांनी मुकुंडनगर उपनगरातून स्वच्छ गणवेशात प्रभात फेरी काढली. त्यांच्या हातात तिरंगा मोठ्या दिमाकात फडकत होता. तसेच सदर रॅली मार्गक्रमण करत असताना राष्ट्रीय पुरुषांच्या व देशाचे जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला. तदनंतर मदरशाच्या मुख्य मैदानावर चकलंबा शरीफचे हजरत महबूब मियाँ कादरी यांच्या शुभ हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांना शुभेच्छेपर मार्गदर्शन केले. मदरशातील मुफ्ती फायकुल कादरी साहेब यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील मुस्लिम उलेमा व अल्लामा फजल ए हक खैराबादी यांचे योगदान विशद केले. यानंतर येथील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय प्रेमावर आधारित गीत तसेच इंग्रजीत भाषणेही केली. शेवटी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये मिठाई वाटपाने कार्यक्रमाचा समारोप झाला. याप्रसंगी अहमदनगर मनपाचे ज्येष्ठ नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, अहमदनगर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष माजी महापौर अभिषेक कळमकर, शहराध्यक्ष खालपाणी साहेब, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे प्रदेश उपाध्यक्ष सय्यद साबिर अली, शहर युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पलवान मोहसिन शेख, काँग्रेसचे युवा नेते अनवर सय्यद, विखे पाटील शाळा मुकुंडनगरचे मुख्याध्यापक श्री मस्के सर, केडगावचे हाजी मनियार साहेब, अल्पसंख्याक युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अगदसभाई, रुग्णमित्र नादिर खान, अहमदनगर सोशल क्लबचे संस्थापक नईम सरदार, काँग्रेस पक्षाचे मुबीन वलियुद्दीन शेख, आर्किटेक्ट फिरोज शेख, युवक काँग्रेस सोशल मीडिया प्रमुख सागर इरसल, नूर क्रॉकरीचे संचालक मोहम्मद हुसेन, खत्मे कादरिया ग्रुपचे सदस्यासह मुकुंडनगर भागातील ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वीसाठी संस्थेचे विश्वस्त खलीफा ए मनसुरे मिल्लत पीर ए तरीकत हजरत हाजी बाबर चांद कादरी रजवी महबूब रब्बानी, शेख नदीम कादरी रिजवी, शेख रफीक भाई केडगाव, सय्यद अलुमुद्दीन शेख अब्दुल कादिर, शेख तहरुन कादरी, मौलाना शाहिद कादरी रिजवी, मुदर्रिस हाफिज व कारी रेहन रजा, नदीम रजा, फरियाद बागबान, आदिब शेख, आफताब रजा इत्यादींनी प्रयत्न केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अनवर सय्यद यांनी केले. अस्सलाम वालेकुम. साल की तरह इस साल भी 15 ऑगस्ट के मौके पर रजाए महबूब दारुल उलूम रजाए महबूब की यहाँ 15 ऑगस्ट का प्रोग्राम मनाया गया. यहाँ पर बाळासाहेब बोराटे, अभिषेक कळमकर, माननीय भाई हजरत महबूब मियाँ कादरी साहब और काफ़ी मान्यवर लोग यहाँ पे उपस्थित थी सबकी. तो ये तो हम सब जाति स्थलों का हम लोग सब हर साल करते, हर समाज के लोगों को लेके यहाँ पे काम करते, इस इदारे में काम करते हैं और हर साल लोग भी आते हैं. कि जितना हम लोगों के लिए करते उतना रिटर्न हमारे को उनसे नहीं मिलता. तो मोहम्मद साहिब, इसमें हमारा कहना ऐसा है और हमने उनको भी बोला कि भैया इदारे के लिए आपके पास से जो कुछ भी निधि होती है तो वो हमारे लिए उपलब्ध करके देंगे. ऐसा माजी महापौर अभिषेक कळमकर उन्होंने अभी हमको जबान दिए कि आपके मदरसे के लिए जो कुछ भी है चीज़ें हम उसको पूरा करके देने की पूरी कोशिश करेंगे. उसी तरह यहाँ के जितने भी काम करने वाले ट्रस्टीज़ हैं, जो हमारे बाबर साहब है, नदीम भाई है, सही साहब है और अब्दुल कादिर है, इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा. हर साल वो इदारे का काम बढ़ते जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे आलिम और हाफिज़ बन के निकल रहे हैं, तो इस बात की खुशी है. तो उसकी भी मैं उनको मुबारकबाद दूँगा. मुझे यहाँ बुलाया, इज़्ज़त दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. दारुल उलूम रजाए महबूब में आज 15
अगस्त जो तो मनाई गई और 15 अगस्त हमारे आज़ादी का जो तो दिन है। दारुलूम रज़ाए महबूब के अराकीन ट्रस्टियान उलमाए कराम हर साल जो तो यहाँ यौम आज़ादी मनाते हैं और हमारे देश के झंडे को जो तो हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम जाति धर्म के लोग आकर यहाँ सलामी देते हैं। जैसा कि अभी सैयद साबिर अली साहब ने बताए कि यहाँ हम कौमी एकजहती पेश करते हैं और ये हमारे देश में कौमी एकजहती की एक दलील है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के मौके पर हम तमाम लोग जो तो इकट्ठा होते हैं, तमामी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और हमारे देश के मान सम्मान को लेकर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो तो हम तराना पढ़ते हैं और यहाँ पर जितने मान्यवर आते हैं हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे मान्यवर आए थे और उन मान्यवरों से सैयद साबिर अली साहब ने और हाजी बाबर साहब और अराकी ने दारुलूम रज़ाए महबूब यानी ट्रस्टिया ने दारुलूम रज़ाए महबूब ने जो तो एक दरख्वास्त पेश की जिसमें हमने भी कहा कि भाई हमें जो तो यहाँ दारुलूम रज़ाए महबूब के लिए कोई फ़ंड दीजिए और हमने अपने तौर पर उनसे कहा कि भाई कि यहाँ हर साल जो तो बच्चे तालीम हासिल करके आलिम हाफिज और स्कूल की तालीम भी होती है जिसमें जो तो कंप्यूटर कुछ बच्चे बने, कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर बने, कुछ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि ये दारुलूम रज़ाए महबूब दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और शांति और कौमी यकजहती कायम और दायम रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं दारुलूम रज़ाए महबूब हमारे के तमाम अराकीन के जानिब से जो आज ये प्रोग्राम रखा गया 15 अगस्त का आज़ादी का, ये हर साल हम रखते हैं और हमारे कई मेहमान बुलाते हैं जिनमें से हमारे खसूसी मेहमान हमारे सरकार सैयद महबूब मियाँ कादरी चकलम्बा वाले जिनकी तशरीफ ला रहे हैं और हमारे सैयद साबिर अली साहब सिविल लड़कों वाले और बाकी हमारे बहुत सारे हजरात यहाँ पर तशरीफ आए लाए और उन्होंने अपने अंदाज़ में खूब अच्छे अंदाज में इदारे को सराहाया, इदारे का काम देखा और इस इदारे में क्या तरक्की हो गई ये भी देखे। तो अभी इस इदारे को आगे क्या तरक्की चाहिए हमने उनको वो भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने वादे किए कि हमारे पीछे बहुत सारे काम अभी बाकी है, वो काम भी हो जाए ताकि हम आने वाले 25 सफ़र उर्स आला हजरत के मौके पर हम नाज़िम का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आलिम दरस निज़ामिया यानी आलिम बनाने का कोर्स चालू कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए थोड़ी मदद हो जाए, उसमें थोड़ी हमारी तरक्की हो जाए। तो वो प्रोग्राम हम करने के लिए हमारे थोड़ी को हेल्प चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्प अदा करें इंशाल्लाह, नहीं तो अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए काफ़ी है, हमारे बुजुर्गानदीन काफ़ी है, हमारे औलाद गौसे आज़म काफ़ी है, अहले बैत काफ़ी है, पंजतन पाक काफ़ी है। बस इस बात पर मैं खुश हूँ कि आज हमारे पूरे अराकीन यहाँ पर जमा होकर इन तमाम हजरात का शुक्र अदा करते हैं और हम सब उनका आने वालों का शुक्र अदा करते हैं, हमारे सैयद साबिर अली साहब का, हमारे हजरत का, सबका शुक्र अदा करते हुए इस इदारे को चलाने के लिए बड़ी मेहनत और मुशक्क़त भी कर रहे हैं। हमारे इस इदारे के जो मेन हैं यानी हमारे मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब किबला, इनकी बड़ी मेहनत है, इनकी बड़ी जद्दोजहद है, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं ताकि ये इदारे को और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अलैह और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। से हर साल की तरह परेशोर और उल्लास के साथ में ये यौम आज़ादी 15 अगस्त का दिन मनाया जाता है और हर साल रैली की जाती है। कहने का मकसद ये है कि हमारे दारुल उलूम पे और हमारे मदरसों पे बहुत उंगली उठाई जाती है, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ, लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप दारुल उलूम आइए, देखिए आज मुकुंद नगर में इतने बड़े कम पैमाने पर इतने बड़े हजरत के निगरानी में और ये यहाँ पे जो जुलूस निकाला गया है इसके वजह इसका मतलब ये है कि हम आज़ादी के लिए हमारे पुरुषों ने जितना खून बहाया है उसकी हमें कितने भी इज्जत रखना चाहिए और हमारा जो ये आज़ादी का जो योगदान है
वो योगदान को याद करना चाहिए और ये छोटे छोटे बच्चे और इनके इन सब हमारे जो जुलूस निकला उसका जोश देखते हुए तमाम यहाँ के जो रहने वाले मुकुंद नगर को रहने वाले लोगों ने भी इसमें शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो अपने अपने जगह पे अपने अपने मदरसे में अपने अपने कार्यालय में जाकर वो उसका जश्न मना रहे। और यहाँ पर जो बाबर साहब हजरत आए, रफीक भाई आए, नदीम भाई, इन्होंने ये जो मेहनत करते हैं, ये मेहनत का मुझे मैं उसका गवाह हूँ कि हमारे रफीक भाई, नदीम भाई या हमारे केड़गांव के मस्जिद में जब आते हैं, जब कौन सा भी प्रोग्राम होता है नमाज का, बकरी ईद या रमज़ान का, तो ये नमाज से फारिग होते होने के साथ में अपने आप मदरसे का अपना नमाज के मस्जिद के बाहर आकर चंदा जमा करते। किस लिए चंदा जमा करते? इन बच्चों के लिए जमा करते या आने वाले नस्ल के लिए चंदा जमा करते? इनको ये साबित करना है कि हम देश के कितने वफादार है और हमारे आने वाली नस्ल, हमारी आने वाली नस्ल देश के खातिर अपनी जान भी दिए हमारे लोगों ने, और इसके आगे भी हमारे लोग, हमारे बच्चे देश के लिए जान दे देंगे। और मैं बाबर साहब का, रफीक भाई का इनको शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जीरो न्यूज़, इट्स न्यूज़ इम्पैक्ट।